मानस ने जो किया है मौली को बोलने में भी शर्म आ रही है, पर बोलना जरूरी है। उसने इसको कमरे में लॉक करके जबरदस्ती इसके साथ बदतमीजी की है। हाउ डेयर यू राहुल, मेरे बेटे पे इतना बड़ा घटिया झूठा और चीप इल्जाम लगाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राहुल पे हाथ उठाने की? तो मुझे मजबूर मत करो, वरना जो हाल राहुल ने मानस का किया है ना, वो मैं तुम्हारा करूंगी। क्या करेंगे आप? मारेंगे मुझे? आप सब सुन रहे नहीं? शांत। अजंता, तन्वी, चुप रहो तुम दोनों, एकदम चुप रहो। मौली, ये जो राहुल कह रहा है, क्या ये सच है? मौली, बोल बेटा, ये मानस ने तेरे साथ जबरदस्ती की? नहीं मौली, नहीं, ये चुप रहने से काम नहीं चलेगा, बोलना ही पड़ेगा। बहुत बड़ा आरोप लगा है मानस के चरित्र पर, उसकी परवरिश पर, मनोज के परिवार पर बहुत बड़ा आरोप लगा है। देख, अगर ये सच है तो खुल के बता, और अगर ये झूठ है ना बेटा, तो इसका खंडन कर दे। मौली, जो भी सच है, डर मत, बोल दे। मौली, बोल, मानस ने तेरे साथ बदतमीजी की? मॉम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मौली, तुम्हें चांस नहीं देना है ना, तू डायरेक्ट बना कर दू, लेकिन इतना बड़ा, इतना घटिया, इतना चीप मत बोलो मेरे बारे में, ऐसे बदला मत लो मौली, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। डैड, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं नहीं कर सकता। दादी, मैंने बस इतना किया है कि मैंने मौली को रूम में जाते हुए देखा और मैं पीछे रूम में चले गए। मैंने सोचा था कि आज होली है, मौली से माफी मांगूंगा, माफी मांग के मौली के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा। बाहर शोर था इसलिए मैंने कमरा बंद करके था, सोचा था कि शांति से बात कर पाऊंगा मौली से, बस इतने। दादी माँ, मैं बस इससे माफी मांगने के लिए गया था, मैं गिड़गिड़ा रहा था, इससे माफी मांग रहा था मैं, और तुम मुझे माफ करने के बदले मुझ पर यह इल्जाम लगा रही हो। मौली, क्यों, क्या बदतमीजी किया मैंने तुम्हारे साथ, क्या जबरदस्ती की, तुम्हें हाथ भी लगाया है मैंने, टच किया, तुम्हारी उंगली भी छुई है मैंने। बोलो मौली, जस्ट प्लीज से समथिंग, टच किया तुम्हें मैंने? मौली बोल। नहीं, सिर्फ बात करने आया था तुमसे। मानस, तुम सिर्फ बात नहीं कर रहे थे। तो मैं क्या कर रहा था मौली? मैं गिड़गिड़ा रहा था, मैं माफी मांग रहा था तुमसे। तुम और क्या कर रहा था मैं? तुम जिस तरह
मेरे बाल सवार रहे थे। मौली, किस तरह? किस तरह आ रहा था मैं तुम्हारे पास? तुम जैसे मेरे पास आ रहे थे, मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। अजंता, नहीं लग रहा था रियली जब मानस ने तुम्हें छुआ तक नहीं है, तो तुमने इतना बड़ा ब्लेम कैसे लगा दिया मानस पर? मॉम, मॉम, मैं प्यार करता हूं मौली से। मौली को गलत प्रूफ करना नहीं चाहता हूं, मैं उसे माफी चाहता हूं। मुझे जिंदगी जीनी है मौली के साथ, इसीलिए मैं सॉरी बोलने के लिए गया था उसको, से पास करने के लिए गया था। बट इट्स माई बैड, पति नहीं हूं ना मैं इसका। तुम्हारा पति होता तो अपनी पत्नी से बंद कमरे में बात करने के लिए लोगों को एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा होता। डैड, मेरी वजह से आपको ये सब सुनना पड़ रहा है। शांत हो जाओ मान। दादी रो, इसने भले ही मौली को टच नहीं किया लेकिन उसके एक्शन से उसे ट्रॉमेटाइज जरूर किया है। अगर वो अनकंफर्टेबल नहीं होती तो इस तरह कमरे से बाहर क्यों भागती? इतनी घबराई हुई क्यों होती? उसकी हालत तो देखिए। दादी, मैं जब से यहां पे आया हूं ना तब से मौली से माफी मांग रहा हूं, गिड़गिड़ा रहा हूं। आपने जो जो बोला वो सब मैंने किया लेकिन मुझे माफी नहीं मिली। मैं हार गया दादी। मैं मानस, हम बात कर रहे हैं। मानस और तुम बचपन से एक ही घर में रहते हो। कभी मानस ने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया? कभी तुम्हें बुरी नजरों से देखा? नहीं। तो बेटा, ऐसे बहुत सारे मौके आए होंगे जब तुम दोनों घर में अकेले हो, तो क्या तुम्हें मानस से खतरा महसूस हुआ? नहीं। अभी कमरे में उसने तुम्हारे मर्सी के खिलाफ तुम्हें हाथ लगाया? नहीं। दादी ब्रो, प्लीज आप बीच में नहीं। मनोज, तुमने कहा था कि जब तक मौली मानस को माफ नहीं कर देती, मानस और मौली का रिश्ता नहीं छोड़ सकते। मौली की मर्जी और तुम्हारी बात का सम्मान किया, समय दिया, लेकिन जांचने परखने के नाम पर जो तमाशा हो रहा है ना, वो सही नहीं है। इसलिए हमने मौली और मानस की भलाई के लिए, इस परिवार की भलाई के लिए एक निर्णय लिया है। बहुत हो गया रूठना मनाना, बहुत हो गया। अब मानस और मौली की
शादी होगी। नहीं जानकी मां, ये गलत है। क्या गलत है? मैं मानस से शादी नहीं करना चाहती। क्यों मौली, तुम मानस से शादी क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि जानकी मां, मुझे ठीक नहीं लगता है। मौली, क्या ठीक नहीं लगता? जानकी मां, जब मानस मेरे पास आता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। जब मानस की और तेरी शादी हो जाएगी और वो पति के रूप में जब तेरे पास आएगा ना, सब सहज हो जाएगा। नहीं जानकी माँ, ये रिश्ता मेरे लिए सजा होगी। जानकी माँ, मौली बेटा, हम तेरा घर बसा रहे हैं, ये सजा कैसी हो सकती है? और हम तेरे दुश्मन नहीं है जो तेरा बुरा चाहेंगे। जानकी मां, लाइफ तो मेरी है ना, ये रिश्ता मुझे निभाना है। मेरी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन है, उसमें मेरे भी तो हाँ बनती है ना जानकी मां। और ना करने की वजह? मानस ने मुझे धोखा दिया है। वो माफी मांग रहा है ना, पश्चाताप हो रहा है उसे। I'm sorry जानकी मां, पर मैंने सब ट्राई करके देख लिया, मानस को चांस भी दिया मैंने, पर जो पेन उसने मुझे दिया, मैं उसे कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। तो तूने कैसे सोच लिया कि हम तेरे पापा मनोज को माफ कर देंगे? खुद में माफी देने का जिकरा नहीं है और मनोज को हमारे पास ले आई है माफी दिलवाने। क्या मनोज ने हमारा दिल नहीं दुखाया, हमारा विश्वास नहीं तोड़ा, हमें धोखा नहीं दिया? पर जब मनोज ने माफी मांगी तो तूने कैसे उम्मीद कर ली कि हम उसे माफ कर देंगे? आपकी माफी का भूखा हूं जानकी मां, प्लीज आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए। तब तो बड़ा ज्ञान दिया था तूने कि कोई दिल से माफी मांगे तो उसे माफ कर देना चाहिए, अपना दिल बड़ा रखना चाहिए, फलाना ढिमकाना। आज पूरा का पूरा पलट गई तू। मनोज को पूरे परिवार से माफी मांगने के लिए यहां पर ले आई, लेकिन अपने पति को तू माफ नहीं कर सकती। मां, मौली की मर्जी के बगैर ऐसे उसकी जबरदस्ती शादी, ये तो ठीक नहीं। मनोज, हम मौली के दुश्मन नहीं है, हम जो भी कर रहे हैं वो इसकी भलाई के लिए, पूरे परिवार की भलाई के लिए कर रहे हैं। पंडित जी 2 दिन के लिए हरिद्वार गए हैं, उनके आते ही हम शादी का मुहूर्त निकलवाएंगे। मौली, 2 दिन है तेरे पास, या तो तू शादी के लिए हां कर दे या मनोज को अपने साथ लेकर बंबई चली जा। और रही बात घर के हिस्से की, तो जहां भी कोर्ट कचहरी बुलाएगी हम आ जाएंगे मुकदमा लड़ने के लिए।
अगर तूने मानस को माफ नहीं किया तो हम मनोज को भी माफ नहीं करेंगे, ना ही इसे हमारी माफी मिलेगी, ना ही इस मेहंदी वाले घर का हिस्सा और ना ही यहां रहने का हक। जानकी, सभा समाप्त। आशना बेबी, हम मेहंदी वाले घर के बाहर खड़े हैं, यहाँ कोई आ गया तो मुसीबत हो जाएगी। I know, I'm sorry. मेरा तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए रोक नहीं पाई खुद को, इसलिए यहाँ आके बैठो, इधर बैठो। यहाँ भी नहीं है, इस टाइम कहाँ चले गए मानस? फोन भी यहीं छोड़ गया, यहां भी नहीं है। मानस बाहर क्या कर रहा है? क्या ऑस्कर परफॉर्मेंस दी है मैंने, होली में दिवाली बना ली मैंने, सबके सामने घर में फायर क्रैकर्स, सारा ब्लेम मौली पे। यस, आई विश तुम उसकी शक्ल देख पाती। अरे दादी ने भी अल्टीमेटम दे दिया उसको कि अगर दो दिन में शादी के लिए हार नहीं की ना तो धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगे। मानस, अगर उसने हार कर दी तो? नहीं यार आशना, चांस ही नहीं है। नहीं मानस, इमोशनल प्रेशर भी कुछ होता है। उसने तुम्हारे डैड के लिए तुम्हें चांस दिया, हु नोज अगर उनके लिए उसने उस बुढ़िया के प्रेशर में आकर शादी के लिए फिर से हाँ कर दी तो? ऐसा कुछ नहीं होगा, अभी सारा ब्लेम मौली पे आया है, ठीक है? और उसने दादी से बहस भी कर ली है, दादी शॉक में, कल डैड शॉक में जाएंगे, कोई शादी वादी नहीं होने वाली मेरी मौली से। यू श्योर ना मानस? 200%। अरे दो दिन में ना मौली का गेम ओवर। थैंक यू। मानस, तू यहां अकेला बैठा हुआ है? अरे मानस, तू रो क्यों रहा है? डैड, जो कुछ हुआ, मौली ने जो इल्जाम लगाया ना मुझ पे, उसके बाद अंदर सबके बीच जाने में मुझे शर्म आ रही है। डैड, किससे शर्म आ रही है तुझे मानस? सब लोग अपने ही तो हैं। माना कि मौली को तेरा उससे बात करना अच्छा नहीं लगा, पर तेरी नीयत खराब तो नहीं थी ना? हम सबको तुझ पे विश्वास है, जानकी माँ तेरे साथ है, तो
चल अंदर आ जा। नहीं डैड, आप लोग मेरे साथ हो लेकिन घर में और भी तो लोग हैं ना। मानस कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, मैं हूं तेरे साथ ना, तो चल अंदर। डैड आप मुझे बचाओगे कि खुद को? क्या क्या मतलब? मौली के साथ मैंने गलत किया, वो मुझसे बदला ले रही है, आई अंडरस्टैंड, पर आज उसने आपका नाम भी खराब कर दिया ना। तन्वी ताई जी और विजय ताऊ जी ने आपकी परवरिश पे क्वेश्चन किया और दादी माँ ने गिना दिया कि कैसे आपकी वजह से उनका दिल दुखा था। मौली मुझे चाहे जो बोलती ठीक था, लेकिन आप उसे इतना प्यार करते हैं, आपके साथ उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपके बारे में तो सोचना चाहिए था ना उसे। इट्स ओके मानस, मैं बात करता हूं मौली से। नहीं डैड, सब कुछ और हो चुका, मुझे जहां तक लगता है मौली मेरे साथ रहना नहीं चाहती, तो उसे बार बार रिक्वेस्ट करके ना आप अपनी वैल्यू अपना टाइम वेस्ट मत करें, मुझे और मौली को साथ में देखने का जो आपका सपना है ना डैड, वो मौली तोड़ चुकी है। मानस अपना फोन भी घर पर छोड़कर पता नहीं कहां चला गया, उसका मूड भी खराब था, अच्छा ही होता अगर मैं उसे मुंबई लेकर वापस चली जाती तो। You know what, Molly? सबने एक्सपेक्ट किया था कि तुम यहां आकर रिश्ते जोड़ोगी, पूरी फैमिली को एक करोगी, पर तुम तो रिश्ते तोड़ने की ही जिद लिए बैठी हो। क्यों क्यों Molly? मनोज ने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए लाइफ में? अनाथ थी ना, सहारा दिया, पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया, पर तुमने तो मानस पे गलत इल्जाम लगाकर उसकी परवरिश पर ही उंगलियां उठा दी। ठीक है मानस से गलती हुई थी पास्ट में गलती, लेकिन वो दिन रात माफी मांग रहा था उसके लिए, एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे लगा था कि तुम मानस को माफ कर दोगी, लाइफ में उसे सेकंड चांस दोगी मौली, पर तुमने तो उसके कैरेक्टर पर ही कीचड़ उछाल दिया जिससे पूरी फैमिली मनोज की फैमिली को और हेट करने लगेगी। क्यों किया तुमने ये सब मौली? क्यों किया तुमने ये सब मौली? कुछ पूछ रही हूं, जवाब दो, क्यों किया तुमने ये सब? क्यों किया? Why did you do this? मॉम प्लीज मौली को कुछ मत बोलिए मॉम। वो कहते हैं ना कि एक गलती आपकी पूरी लाइफ खराब कर देती, वही हो रहा है मेरे साथ। मैं मौली को कितना भी सॉरी बोलूं, कितना भी मना लूं, लेकिन वो मानेगी नहीं, वो बदला लेना चाहती है मुझसे, मुझे गलत साबित करना चाहती है, और ये मेरे कर्मों की सजा है, तो ठीक है मैं मुझे फेस करना पड़ेगा। मैं बस से माफी मांगने के लिए गया था, मैं गिड़गिड़ा रहा था इसे। मानस तुम जो सबके सामने बन रहे हो वो तुम हो नहीं, और जो तुम हो वो तुम सबसे छुपा रहे हो। मुझे पता करना पड़ेगा क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।